झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सत्ता में आने पर प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने एवं पेट्रोल डीजल की कीमत 40 से 45 रुपए करने एवं गरीबी दूर करने, विदेशों में जमा काला धन वापस लाने और प्रत्येक नागरिकों के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने समेत कई अन्य लोक लुभावन वायदा किया था, लेकिन इन वायदों की सच्चाई आज देश दुनिया के सामने है। करने में 3 वर्ष से ज्यादा के समय लगेंगे जो रफ्तार से यह देश चल रहा है, तो हम कह सकते हैं इन 7 वर्षों में पूरी तरह से देश गुमराह है। अगर लोकतंत्र में सरकार बुलाने की व्यवस्था होती तो यह देश प्रधानमंत्री जी को एक दिन भी देखना मंजूर नहीं करता, उनको वापस बुला दिया। आप सबने देखा गंगा की रेत के नीचे लाशों का अंबार बिछा हुआ है, और वाह प्रधानमंत्री कभी भी देश से झूठ लगातार ये बोलते रहे। कांग्रेस पार्टी लगातार एक सजग प्रहरी के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के भी आंदोलन किया। हमारे किसान जो लेकर के चिल्पों कर रहे थे, बीजेपी के नेतागण, 7 महीने से 1000 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। अब तक 1000 से ज़्यादा किसान चिल्का बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। महिलाएं खलिहान संभाल रही हैं, और ये निरंकुश शासक जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पोषक रहा है, आज वो सड़कों पर जो है वो बैठ रहा है। कहाँ हम छोड़ कर गए थे 1.5 GDP अर्थव्यवस्था 2014 में, और इस देश ने -23 भी देखा। 23 करोड़ जनता मध्यम वर्गीय श्रेणी से नीचे चली आई। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, आज हमारे 16 करोड़ नौजवानों ने रोजगार खो दिया है। तो कौन है इन सारी चीजों के लिए जिम्मेवार? पूरी तरह से केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। आप कहें अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।